हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रिंकू, रिंकू मोबाइल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मेरे पास है ये सोलर पैनल और इसके साथ आई एक टॉर्च जो कि इस सोलर पैनल से चार्ज होती है। दोस्तों तो देखिए, ये वाली टॉर्च है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है दोस्तों, तो इन चीज़ों को मैं आज ठीक करना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया दोस्तों, इस सोलर पैनल से क्या है, ये टॉर्च है चार्ज नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे बटन दबाएंगे, लाइट तो जलती है लेकिन बिल्कुल डाउन बैटरी दिखा रही है। और इसमें एक USB का दे रखा है और एक ये नोकिया का जो मोटी पिन वाला चार्जर आता था वो बना रखा है। तो देखिए यहाँ पे मोटी पिन का चार्जर लग जाता है जो कि इसकी एक केबल थी, ये भी आगे जो टूटी हुई है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। तो इस सोलर पैनल से ये बैटरी चार्ज होती थी जो कि हम रात को यूज कर सकते थे आराम से बिल्कुल, लेकिन अब क्या हो गया कि ये सोलर पैनल है जो कि ख़राब हो चुका है, जिसके कारण कि इसमें चार्जिंग नहीं हो रही है। वैसे हम इसको डायरेक्ट चार्जर लगा के देख लेते हैं एक बार, नोकिया का चार्जर लगा के चार्ज होगी नहीं होगी। तो पहले बैटरी को चेक कर लेंगे एक बार, अगर बैटरी हमारी ठीक होगी तो फिर सोलर पैनल में दिक्कत होगी, और सोलर पैनल ठीक होगा तो फिर बैटरी में दिक्कत होगी। तो पहले हम एक बार बैटरी को चार्ज कर लेंगे दोस्तों। बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नोकिया की चार्जर है वो लगा के देख लेंगे दोस्तों। तो पहले एक बार लाइट को चेक कर लेते हैं, अगर लाइट हमारी ठीक है तो बढ़िया। देखिए दोस्तों, हम तो हमने इसमें जो इसकी ये पिन थी टूटी हुई तो हमने दूसरी डाटा केबल से अटैच करके वो लगाई है, तो ये जो बैटरी है ये चार्ज होने लगी है दोस्तों। देखिए मैं जला के भी दिखा देता हूँ आपको, तो देखिए ये चल भी चुकी है साथ के साथ। तो हमारी जो ये लाइट है ये अच्छी तरह ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी कंप्लीट नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। तो हमें जो अब रिपेयर करनी है, जो इसका सोलर पैनल था वो है वो ख़राब हो चुका है। तो हमने देखिए जो इसकी तार आगे से टूटी हुई थी उस पर एक डाटा केबल लगा ली है अटैच करके, जो प्लस माइनस के हिसाब से लगा के देखा तो बिल्कुल सही तरह काम कर रहा है। तो अब हमें करना क्या है, तो दोस्तों हमारी ये जो बैटरी है तो ठीक है, इसको तो हमें कुछ करना नहीं है। अब ये सोलर पैनल है, देखिए इस सोलर पैनल से हमने इसको आगे से पिन को इसको लगा दी, यहाँ पे जॉइंट कर लिया और सोलर पैनल हमने बाहर धूप में रख लिया है। तो इसमें देखिए हम लगाते हैं तो कोई भी लाइट वगैरह शो नहीं कर रहा, कोई चार्जिंग शो नहीं कर रहा, देखिए यहाँ पे तो ऐसे ही बैटरी डाउन दिखा रहा है। जो चार्जिंग थोड़ी बहुत हुई थी उस चार्जर से उससे ही वही दिखा रहा है बस, बाकी बैटरी डाउन हो रही है। और इसको चेक करना है हमें सोलर पैनल को, तो देखिए ये पैनल है जो कि काम नहीं कर रहा अच्छी तरह, तो इसको हम रिपेयर करना है। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे तार टूटी है, इसको क्या करेंगे एक बार चेक करने के बाद इसको हम यहाँ पे टेप लगा देंगे, ब्लैक कलर की टेप लगाने से यहाँ पे मजबूती हो जाएगी। तो अब हमें अब करना है इसको रिपेयर, तो फटाफट हम इसको खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो नट दिए गए हैं, इन दोनों नटों को खोल के इस कैप को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो फटाफट इसके नट को खोल के इसके कैप को उठाते हैं। देखिए तो यहाँ से हमने नट खोल लिया है और नट खोलने के बाद इसको ऊपर उठा लेंगे, उठाने बाद सिंपली बाहर आ चुका है। देखिए तो यहाँ पे भी पहले भी रिपेयर था, किसी ने यहाँ पे लगा रखा है ग्लू गम लगा के इसको चिपका रखा है दोस्तों, जो गर्म करने के बाद पिघलता है वो चीज़ लगा रखी है इस पर। तो अब एक बार इसको फटाफट यहाँ से साफ़ कर लेते हैं और इनके तारों को चेक कर लेंगे अच्छी तरह, किसी तार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको उतार लेंगे, यहाँ पे उतार को फटाफट इसको साफ़ करते हैं और देखते हैं इसके जो प्रिंट हैं कैसे हैं, और प्रिंट साफ़ भी है कि नहीं है, बचे कि नहीं बचे। देखिए दोस्तों तो ये इसमें दो ही प्रिंट दे रखे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये बिल्कुल ठीक है, हमने साफ़ कर लिया। इसको साफ़ करने के बाद देखिए हमने इसके डाटा केबल है जो इसमें दिक्कत आई हुई थी, जो इसकी ब्लैक कलर की वायर है, ब्लैक कलर की वायर है, बीच में से कई जगह क्रैक थी और आगे से टांका लगा हुआ था, लेकिन इसलिए इसमें पूरी वोल्टेज नहीं आ रही थी। तो अब ये देखिए यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लेंगे हम, वायर को पूरी कंप्लीट है, वायर में कोई दिक्कत तो नहीं है। और तो इसको चेक कैसे करना है, देखिए दोस्तों मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को बर्जर मोड पर रखेंगे जिससे कि बीप की आवाज़ आती है, कंटिन्यूटी वगैरह हम चेक कर लेते हैं। तो वहाँ पे इसको करके बर्जर मोड पे करने के बाद हमें क्या करना है, एक वायर पे एक हिस्सा रखेंगे मीटर का और दूसरी जहाँ पे पिन आई हुई है यहाँ पे हम लगा के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बीप की आवाज़ आ रही होगी, तो ऐसे ही दूसरी वाली वायर को और इसके अंदर पिन डाल के देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए बीप की आवाज़ आएगी। तो अगर समझो ठीक है, अगर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो इसके अंदर कोई ना कोई वायर ख़राब होती है। तो दोनों वायर है बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जो कि जो कमी थी उसमें वो जो बीप की क्या कह रहे हैं ब्लैक कलर की तार है दोस्तों, उसके अंदर दिक्कत थी, वो पीछे की तरफ जहाँ से टांके लगे हुए थे उससे थोड़ी सी पीछे की तरफ वो वहाँ से क्रैक हो रही थी बीच में दो तीन जगह, जिसके कारण कि ये काम नहीं कर पा रही थी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे टांके लगा लेते हैं, प्लस माइनस के हिसाब से जो ब्लैक है वो माइनस की है और जो रेड होती है वो दोस्तों प्लस की होती है। तो हम इसमें फटाफट यहाँ पे टांके लगा लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने टांके लगा लिया है। तो इसको अभी यहाँ पे एक बार लगा के एक बार इसको चेक कर लेंगे अच्छी तरह, अगर चेक सही तरह हो रही होगी तो इसमें हम ग्लू गम डाल सकते हैं, अगर नहीं डालने की जरूरत है। वैसे भी इसको हमने क्या किया है, जो इसका ये तार है देखिए हमने इसको थोड़ा सा आगे से खींचा था, और खींचने के बाद इसके अंदर यहाँ पे हम LP वगैरह डाल देंगे। LP डालने से क्या होगा कि ये यहीं पे रुक जाएगी और मजबूती से पकड़ बना के रखेगी। तो उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसे ही फिट कर लेना जैसे हमने खोला था, तो इसको फटाफट फिट कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं। देखिए दोस्तों तो हमने इसको यहाँ पे चेक किया है तो ये बिल्कुल सही तरह चल रहा है, और इसमें जब हमने सोलर पैनल की वोल्टेज चेक की तो इसमें 5.5 वोल्ट के करीब आ रहा था दोस्तों, जो कि बिल्कुल चार्जिंग करने के लिए बिल्कुल ठीक होता है दोस्तों। तो बाकी इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ मैंने कहाँ रख रखा है। देखिए
तो आप कभी बोल लो कि भाई वैसे चार्जर से लगा रखा है, लेकिन देखिए दोस्तों इसकी वायर बाहर गई है बाहर की तरफ। तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने धूप के अंदर रख रखा है, यहाँ पे कैंपर के ऊपर रख दिया जहाँ पे धूप आ रही है, तो यहीं से ये चार्जिंग हो रही है दोस्तों। तो अब दोबारा मैं आपको लाइट के पास लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको दिखेगी लाइट चार्ज होती हुई। तो इसमें जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, सोलर पैनल के अंदर दिक्कत थी, उसकी वायरिंग थी जो एक दो जगह बीच में से कटी हुई थी। तो देखिए इस टाइम हम यहाँ पे फ़ोन लगा के इसको अच्छी तरह यहाँ पे लगाते हैं, वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे फ़ोन लगा रहता है और वीडियो बनती रहती है, और ये हमारी लाइट है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। सोलर पैनल की दिक्कत भी ठीक हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि इसमें वायर ख़राब थी, वायर हमने मीटर से चेक की तो उसको हमने अच्छी तरह चेक करके लगा लिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अब ये आती है विंग क्रीम। विंग क्रीम तो इसमें क्या होता है दोस्तों, वाइट कलर की होती है दोस्तों, जो ये इस पर येलो येलो पीला पीला हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, इस पर लगाएंगे और लगा के इसको साफ़ कर सकते हैं। या आप के पास ऐसी लाइट हो जो पीलापन आ चुका है, जिससे कि पीलापन आने क्या होगा कि आपकी जो टॉर्च लाइट की है काफ़ी कम दिखेगी दोस्तों। तो इसमें करना क्या है, आप इससे साफ़ कर सकते हैं, या फिर आप बच्चों के लिए रेजर आती है जो जिसको रबड़ बोलते हैं दोस्तों, वो उससे साफ़ कर सकते हैं, या कोलगेट से साफ़ कर सकते हैं दोस्तों, या नींबू से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, जिससे कि इसका ब्लैक कलर का ऊपर पड़ता है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, वाइट निकल आएगी। तो इसको ऐसे ही धीरे धीरे साफ़ कर देंगे, एक दो जगह से बिल्कुल साफ़ होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसे ही रगड़ के साफ़ कर देंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके।